नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 3 दिन की राहत के बाद शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें, आज डीजल की कीमत में 15 से 16 पैसे तक बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई सहित देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नई कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.70 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 81.47 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 97.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.60 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 91.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल 84.35 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल 93.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 86.45 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। नोएडा में पेट्रोल की कीमतें 89.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल 81.91 रुपये प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 87.73 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 81.17 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पेट्रोल 99.21 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की कीमतें 89.76 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। लगातार बढ़ोतरी के बाद देश के लगभग सभी शहरों में ईंधन के दाम अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, 55 दिनों के अंदर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 7.22 रुपये और डीजल 7.45 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें देखी जाएं तो 90 रुपये के ऊपर पहुंच गई हैं। वहीं कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के करीब हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।